शिवराज सिंह चौहान के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि के मौके पर कृष्णा सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था ने भोपाल के अयोध्या नगर में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया। इस मौके पर भोपाल से भाजपा विधायक कृष्णा गौड़ ने अपने हाथों से महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को भोजन के पैकेट के साथ में सैनिटरी पैड वितरण करते हुए हमेशा मासिक धर्म के समय सैनिटरी पैड का ही उपयोग करने की अपील की। विधायक कृष्णा गौड़ ने कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस वर्ष 1,00,000 निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1,000 महिलाओं को वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर 2,000 से अधिक महिलाएं सैनिटरी पैड को लेने के लिए पहुंची है, जो वाकई में बदलाव का संकेत है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की बहनों ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और विशेषकर मासिक धर्म में सैनिटरी पैड का उपयोग करने की दृष्टि से इस वर्ष 1,00,000 सैनिटरी पैड वितरित करने का संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत आज अयोध्या नगर में 1,000 महिलाओं का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2,000 से भी ज़्यादा महिलाएँ सैनिटरी पैड को यहाँ लेने के लिए आई हुई हैं। मैं कृष्णा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था की सारी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ। एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हैं। महिला स्वस्थ रहती है तो परिवार स्वस्थ रहता है, समाज और देश स्वस्थ रहता है, और इसीलिए महिलाओं का मासिक धर्म में सैनिटरी पैड का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो गंभीर से गंभीर बीमारियों से बच सके। आज 1,000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको हम सैनिटरी पैड वितरित कर रहे हैं, निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, और 3 महीने तक लगातार हम निःशुल्क वितरित करेंगे, ताकि उनकी आदत पड़ जाए। और उसके बाद जन औषधि केंद्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपये पर पैड के पैकेट की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से वो स्वस्थ जीवन जी सकती है।